बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग करंट अकाउंट डियर स्टूडेंट्स लास्ट मेडूल्स में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की थी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अ क्लोज इकोनॉमी। बेसिकली हम गुड्स मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें डिमांड साइड को डिस्कस कर रहे थे सो so, आज हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे सो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की जब हमने बात की थी कि वर्चुअली आज के दौर में कोई भी कंट्री कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकॉनॉमी नहीं है ऑलमोस्ट हर इकानोमी ओपन इकानोमी है ओपन इकानोमी से मुराद ये है कि इसके बाकी दुनिया के साथ इकनॉमिक रिलेशनस हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन द ऑफ़ बॉरिंग एंड लैंडिंग सो हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हैं बाकी दुनिया के साथ रिलेशन हैं ये कैसे रिकॉर्ड होते हैं फस्ट ऑफ ऑल और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से किसी इकानोमी के सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन थे हैं, उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं तो इस ज़मन में सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अकाउंटिंग को समझेंगे ताकि फिर हम देख सकें कि इनका इम्पेक्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर कैसे होता है तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि एनी एक्टिविटी जिसके नतीजे में वी आर गेटिंग फ़ारेन एक्सचेंज उसको हम क्रेडिट आइटम के तौर पर लेते हैं और प्लस साइन के साथ एंटर करेंगे इसके नतीजे में हमारी मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आएगा ओके सिंपल एग्जांपल तो एक्सपोर्ट्स हैं हम जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके नतीजे में वी गेट वी आर फॉरेन एक्सचेंज अब जानते हैं पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं और लेदर का लेदर प्रोडक्ट्स हैं और एंड सो ऑन सो ये हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देती हैं तो इनको हम एज अ क्रेडिट आइटम के तौर पर लेते हैं और सेकंड जो है डेबिट आइटम जिसके नतीजे में वी हैव टू स्पेंड आवर फॉरेन एक्सचेंज ओके उसके नतीजे में हमारे मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है सो so, वो इम्पोर्ट्स हैं पेट्रोलियम की मसनवात हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है तो बेसिक प्रिंसिपल जो आपने याद रखना है ये कि जिस एक्टिविटी के नतीजे में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है हम अर्न करते हैं वो एक क्रेडिट आइटम है और जिस पर हमें ख़र्च करना पड़ता है वो हमारी डेबिट आइटम है सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आज हम बात करेंगे करंट अकाउंट पर करंट अकाउंट से मुराद ये है कि उन तमाम एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड जो करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हैं नंबर वन और सेकेंडली वो यूनिलेट्रल ट्रांसफ़र्स हैं तो इन इन चीज़ों के रिकॉर्ड को हम करंट अकाउंट कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि किसी एक मलक के सिटीजन दूसरे मुल्क से जो इनकम आन करते हैं समटाइम्स वो so, दूसरे मुल्क में जाकर काम करते हैं और उसके नतीजे में वो हैं पाकिस्तान के सिटीजन्स लेकिन वो दूसरे मलक से अर्न कर रहे हैं सो so, जैसे आज कल आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो इससे वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है दूसरे मुल्कों में उस इन्वेस्टमेंट से वो उनको रिटर्नस मिलता है तो ये ये चीज़ें हमारा नेट इनकम अब्रॉड में हम इनको शुमार करते हैं और इसी तरह दूसरे मुल्कों के लोगों ने पाकिस्तान में आके काम करते हैं यहाँ से अर्न करते हैं तो वो नेगेटिव आइटम के तौर पर जाएंगी और जो हम अर्न कर रहे हैं वो पॉजिटिव तो जो डिफरेंस है वी आर कॉलिंग इट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओके सो ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वही कॉन्सेप्ट है जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपने नेट फैक्टर पेमेंट्स के नाम से हम इसको पढ़ते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट आइटम है यूनीट्रल ट्रांसफ़र्स यूनीट्रल ट्रांसफ़र्स में ये होता है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इस ट्रांसफ़र के नतीजे में पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है लेकिन उस फॉरेन एक्सचेंज के बदले में पाकिस्तान दे कुछ नहीं रहा कोई गोल्ड कोई सर्विस हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे प्रोवाइड नहीं कर रहे फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे मलक पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड आया तो उसके नतीजे में हमें जो इमदाद मिली तो वो एक तरह से नेट यूनिलेटरल पॉजिटिव ट्रांसफर थी और सम और और दूसरा मेजर सोर्स में ये है कि वो लोग जो दूसरे मुल्कों पाकिस्तानी औरिजन के थे लेकिन दूसरे मुल्कों की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है वहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ से जो कुछ वो अर्न करते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान में भेजते हैं रेमिटेंसेस सो ये भी यूनीटरल ट्रांसफर में शामिल होंगी तो नेट का मतलब यही है कि जो हम इसमें हासिल कर रहे हैं और जो बाकी मुल्कों को हम दे रहे हैं तो इनका डिफरेंस जो है दैट इज़ द नेट यूनिटर ट्रांसफर्स वाट इज़ करंट अकाउंट इट इज़ द सम ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसज़ यानी हमने एक्सपोर्ट्स कितना किया और इम्पोर्ट कितना किया उसकी जो नेट वैल्यू है डिफरेंस उसका एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स नेट इनकम फ्राम अब्रॉड मैंने एक्सप्लेन किया और इसी तरह से नेट यूनिलेक्ट्रल ट्रांसफ़र्स सो so, इनके टोटल को हम कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस सो इक्वेशन के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है सी ए फॉर करंट अकाउंट एन एक्स फॉर नेट एक्सपोर्ट्स एंड एन एफ पी नेट फैक्टर पेमेंट्स एंड नेट यूनिलेक्ट्रल ट्रांसफ़र्स सो अगर ये करंट अकाउंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हमने इन तीन आइटम्स के नतीजे में हमने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है और हमने इनमें ख़र्च कम किया है तो ये पॉजिटिव होगा करंट अकाउंट और नेगेटिव का मतलब इसके उलट होगा कि हमने ज़्यादा ख़र्च किया है और कम हमने इससे अर्न किया उम्मीद है कि आपको ये करंट अकाउंट का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इससे मुराद क्या है थैंक यू